So, hello guys. I hope मैं आप लोगों को दिख रहा होऊंगा. What do you think? क्या box होगा ये? I mean, इसे किसे मत देखना. Suppose करो कि आपने title भी नहीं पढ़ा, thumbnail भी नहीं देखा. अब क्या होगा इस बॉक्स के अंदर? बहुत ही बढ़िया बड़ा बॉक्स हमें भेजा गया है. तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं दोस्तों, सीधे बात करते हैं कि इसके अंदर है एक 3D प्रिंटर, लिटरली जो भी किसी भी चीज को 3D में प्रिंट कर सकता है. एंड इसके अंदर मशीन के सारे पार्ट्स डिसअसेंबल्ड थे, तो मुझे उसे असेंबल करना पड़ा. एंड यार बहुत टाइम लगा था, बहुत ज्यादा. तो चलो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे आपको मशीन के पास ले चलते हैं. यार पूरे फ्रेम में भी नहीं आ सकती मशीन. दिस इज अ 3D प्रिंटिंग मशीन एंड बहुत ही हेवी है, ऑलमोस्ट 20 से 25 kg का इसका वेट है. मुझसे थोड़ी भी नहीं रहेगी. बात करेंगे कि यार ये क्या है, ये कैसे काम करती है, आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हो. असेंबल करते हुए दिखाना था बट वो नहीं दिखा पाया क्योंकि मैंने पहले ही जब असेंबल करा तब कैमरा ऑन नहीं रख पाया था. एंड इसमें इतने सारे पार्ट्स है यार कि फिर से डिसअसेंबल करके असेंबल करना, इट्स टू मच ऑफ वर्क. सो बेसिकली ये जो मशीन है वो हमें भेजे क्रिएलिटी कंपनी की तरफ से. एंड इसका मॉडल है CR10 स्मार्ट. सो ये एक तरीके की कंप्लीटली फीचर पैक्ड 3D प्रिंटिंग मशीन है. तो पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर. तो जैसे कि हम बात करें, सारा सब कुछ मेटल है, कोई भी चीज फ्रेजाइल नहीं है, कोई भी चीज कमजोर कोमल नहीं है, सारी चीजें क्वालिटी हैवी मेटल्स की बनी हुई है. सो नो वरीज. मैनुअल में भी देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या पार्ट्स के नाम रखे गए हैं. ये हमारा नीचे बेसिक फ्रेम हो गया, इसके ऊपर एक गैंट्री फ्रेम है, ये टच स्क्रीन हमारा, ये रैक हो गया, स्टूल है, ये फिलामेंट पुल रॉड्स, ये जो रॉड्स हैं, छोटे छोटे स्क्रूज और स्क्रूज फिर और स्क्रूज. सो ये जो हमारी प्लेट है इसके ऊपर 3D मॉडल बनता है. एंड ये वाई एक्सिस पे मूव कर सकती है. एंड ये जो हमारा नोजल है ये एक्स एक्सिस पे मूव करता है, साथ ही साथ जेड एक्सिस पे भी मूव करता है. तो इस तरीके से तीनों एक्सिस पे मूवमेंट होता है. एंड जो व्हाइट कलर का वायर आपको देखने को मिल रहा है इसे कहते हैं फिलामेंट. ये एक तरीके का प्लास्टिक है. एंड ये यहाँ से होते हुए इस पाइप से होते हुए इस नोजल के अंदर जाता है, नोजल गर्म होती है. एंड यहाँ से पिघलते हुए ये मटेरियल नीचे जाता है. एंड जो भी हमारा मॉडल है वो बनता है. एंड ये जो हमारी प्लेट है ये भी गर्म होती है. इसके बाद इसमें हमें देखने को मिलती है टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले. इसके बाजू में हमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया गया है. तो मैं अपनी जो भी डिजाइन है मैं उसे अपने लैपटॉप में PC में बनाकर इस मेमोरी कार्ड के थ्रू इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ. एंड ये फिर टच स्क्रीन से मैं यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करके उस मॉडल को प्रिंट कर सकता हूँ. इसके बाजू में हमें देखने को मिलता है ये टूल बॉक्स, जो कि बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने. बाजू में टूल बॉक्स देखे, क्योंकि जितने भी स्क्रूज है ना वो स्क्रू ड्राइवर से तो होते ही नहीं है, इसके लिए एक एलन कीज की जरूरत पड़ती है, जो कि अच्छा हो गया कि इन्होंने भेजा है. तो यहाँ हम देख रहे हैं हमें बहुत ही हाई क्वालिटी के टूल्स देखने को मिल रहे हैं. QR कोड्स हमें ऊपर देखने को मिलते हैं. मशीन के बारे में बहुत सी बातें जो कि चाइनीज लैंग्वेज में लिखी हुई है, उसके नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है. अब थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, बात करते हैं कैसे प्रिंटिंग कैसे की जाती है. बात ऐसी है कि 3D में क्या बनाया जाए, इसके लिए बहुत से तरीके हैं. एक तो ये है कि मैं अपने लैपटॉप में या अपने PC में एक डिजाइन तैयार करूं एंड उस डिजाइन को इस 8GB के कार्ड में मैं इस मशीन में इंसर्ट कर सकता हूं. एंड इसके बाद फिर मैं यहां से सिलेक्ट करके उसे बना सकता हूं. बट दोस्तों उसके लिए एक बात जरूरी ये है कि आपको डिजाइन बनाते भी तो आना चाहिए. खैर इससे भी मैंने यूज करा हुआ है, बट इससे भी प्यारा तरीका है जिससे हम 2 मिनट में कोई भी डिजाइन बनाकर इसमें डाल सकते हैं, एंड वो है मोबाइल के थ्रू. तो मोबाइल में इनका एक ऐप है क्रिएलिटी क्लाउड ऐप. सो बहुत सिंपल प्रोसेस है, हमें इस ऐप के थ्रू इस मशीन को कनेक्ट करना है, जो कि ब्लूटूथ के थ्रू हो जाती है. तो देखो मैंने ऐप ओपन कर लिया है, ये सारे 3D मॉडल्स यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं, इनकी डिजाइन यहाँ ऑलरेडी अपलोडेड है, मुझे बस इन डिजाइन को यहाँ भेजना है. तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सबसे पहले शुरुआत की जाए हमारे आयरन मैन के साथ. तो देखो इसमें भी जो डिजाइन है हम जो बनाने वाले हैं इसे हम कई पार्ट्स में भी बना सकते हैं अगर हमें थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है. बट मैं चाह रहा हूँ कि यार पूरा आयरन मैन एक ही बारी में बन जाए, तो ये वन पीस आयरन मैन बस्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ. तो देखो ये ऐप इतना बढ़िया है कि यहाँ से मैं देख सकता हूँ इसे चारों तरफ से घुमा के कि इसकी डिजाइन कैसी है. तो अभी के टाइम पे इसके जो डायमेंशन होने वाले हैं तो ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग बनने वाला है, यानी कि बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा. तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मुझे बनाना नहीं है, सारा फिलामेंट खत्म हो जाएगा. मैं आप लोगों को एक छोटा ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ. तो इसके लिए सिंपली हमें स्केल में जाना है. स्केल में परसेंटेज में जाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमें इसका कितना परसेंट पार्ट कम कर देना. सपोज मुझे अभी की जिस साइज से इसे 30% पे बनाना है, तो यहाँ से ये छोटा हो गया. तो इस तरीके से अभी हमारी जो डिजाइन है ये बनना स्टार्ट होगी. इसे मैं स्लाइस कर दूंगा. स्लाइस करने के बाद ये तैयार है. मैं प्रिंट में जाता हूँ. प्रिंट में जाके मैं डिवाइस चूज कर सकता हूँ. एंड दैट्स इट. इसके बाद ही मुझे सारे स्टेट्स बता देगा कि अभी प्लेट का क्या टेम्परेचर है, नोजल का क्या टेम्परेचर है, डिजाइन हमारी अपलोड हो गई है, कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम रिमेनिंग है. सारे डेटा हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही एक कन्वीनियंट फीचर है यार. We'll be right back.
ये रहे हमारे आयरन मैन। सो मैंने छोटा ही बनाया था तो इसीलिए ये 40-50 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया। अदरवाइज अगर मैं इसे बड़ा बनाता तो 3 घंटे, 5 घंटे या 7 घंटे बहुत टाइम लग सकता था। सो आप लोगों को एक प्रोटोटाइप दिखाना था यार कि कैसे वर्क करता है। तो ये रहे आयरन मैन। जो क्वालिटी की बात करी जाए इसकी, तो ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत तरीके से स्टडी भी है, कहीं से टूटने की मुझे गुंजाइश नहीं लग रही है। बात करें फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग यार बहुत ही ज्यादा प्यारी है। इतने बारीकी से काम किया गया है कि हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल एक एक लेयर यहाँ जाती रहती है और हमारा 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट होते रहता है। तो मैं इसमें डिजाइन करके बहुत सी चीजें बना सकता हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोगों का खरीदने का मन हो तो खरीद सकते हो। एंड यही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यू एंजॉयड, यू लर्न समथिंग न्यू, यू सॉ समथिंग न्यू। वीडियो को यार लाइक कर देना प्लीज, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उन्हें दिखाना कि कुछ अलग चीज है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे आपके काम की अमेजिंग वीडियोस में बनाते रहता हूँ। इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो, बहुत सी रील्स आती रहती है इंफोटेनमेंट से रिलेटेड। यूट्यूब शॉर्ट का एक सेकंड चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे वीडियो मिलती, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय। हे आयरन मैन, लव यू 3000 टाइम्स।